फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह दो ब्रिज रिमेडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 6 और 7 के अंतर्गत वर्कशीट 61, 62, 63, 64, 65 और असेसमेंट 9। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 61 पेज नंबर 77 कॉम्पिटेंसी कैन राइट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। फर्स्ट, पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। सेकंड, आई शैल सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी टुनाइट। थर्ड है, वी शैल प्ले कबड्डी टुमारो। फोर है, यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। फाइव है, ही विल कम विथ मी नेक्स्ट डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये जो आगे पीछे जमे हुए हैं इनको हमें सही जमाना है और मीनिंगफुल यहां वर्ड लिखने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट है, शालू विल सिट इन दी ड्रॉइंग रूम। सेकंड है, बिट्टू विल टॉक टू आवर नेबर्स टुमारो। थर्ड है, कमल विल स्पेंड वेकेशन विथ हिज आंट नेक्स्ट वीक। इसमें ऊपर वेकेशन छपा हुआ नहीं है तो यहां आप लिख दीजिएगा वेकेशन। फोर है, वी शैल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। फाइव है, आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो। ये थी वर्कशीट 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 62 पेज नंबर 78 कॉम्पिटेंसी कैन आंसर सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिक्चर। पिक्चर देखिए, आपको पिक्चर देखना है, इसमें समझना है कि पिक्चर में क्या क्या दे रखा है। देखिए, गाय है, बछड़ा है, ये दूध निकाल रही है, ये औरत यहाँ पानी भर रही है, और ये इधर ही सेंड पंप पर ही है, ये औरतें हैं, ये लड़का है, और ये कुत्ते हैं, इस तरफ कुत्ते हैं, लड़के खेल रहे हैं, ये झोपड़ियाँ हैं, कच्चे मकान हैं। तो इस प्रकार से ये सब अपने को पिक्चर में दिख रहा है। अब हमें आंसर देने हैं। सी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हु इज मिल्किंग द काउ, दूध को निकाल रहे हैं, तो वुमेन इज मिल्किंग द काउ। सेकंड है, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर्स, कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं अपने को पिक्चर में, काउ एंड डॉग्स। थर्ड है, हाउ मेनी पीपल आर देयर एट द हैंडपंप, हैंडपंप पर कितने लोग हैं, चार हैं, तो फोर, एफ ओ यू आर, फोर। अगला है, क्वेश्चन नंबर 4, आर देयर एनी ट्रीज इन द पिक्चर्स, ट्री दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, यस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर इन द पिक्चर्स, कच्चा और पक्का, तो कच्चा, कच्चे मकान दिख रहे हैं। 6 है, दिस पिक्चर्स शो विलेज लाइफ। आगे समझ में, ये थी वर्कशीट 62। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 63 पेज नंबर 79 कॉम्पिटेंसी कैन राइट फॉर्मल लेटर, तो हम लेटर लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर मोहन या रजिया लिविंग इन बीकानेर, यू आर इल, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू दी हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज। तो आपको लिखना है टू दी हेडमास्टर गवर्नमेंट यूपीएस गणेशपुरा बीकानेर। सब्जेक्ट है, ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। सर, आई बेग टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज लीव मी फॉर 2 डेज, थैंक यू, योर्स फेथफुली मोहन, क्लास 7। आगे समझ में,
ये थी वर्कशीट 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 64 कॉम्पिटेंसी द लर्नर कैन राइट सिंपल पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। नेम, एज, टीचर, गेट अप, गेट्स अप, हार्ड वर्किंग, रेगुलर, पंक्चुअल, स्टडी, डेलीशियस फूड, लव, फैमिली। अब हमें माय मदर, इस पे हमें लिखना है, माय मदर्स नेम इज शांता, शी इज 48 ईयर्स ओल्ड, शी इज ए टीचर इन स्कूल बीकानेर, शी गेट्स अप अर्ली एट 5 AM, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन, शी इज रेगुलर एंड पंक्चुअल, शी हेल्प्स इन आवर स्टडीज, शी कुक्स डेलीशियस फूड, आई लव हर सो मच एंड शी टेक केयर आवर फैमिली। तो इस प्रकार से माई मदर पे हमने लिखा। ये थी वर्कशीट 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 65 पेज नंबर 81 कॉम्पिटेंसी कैन राइट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इसी टाइप से हमें फर्स्ट है, माई ब्रदर ड्राइव्स ए कार वेरी फास्ट, इसमें बदलेंगे, माई ब्रदर इज ड्राइविंग ए कार वेरी फास्ट। सेकंड है, यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली। नेक्स्ट अगला, थर्ड है, मीरा सिंग्स ए सॉन्ग वेरी स्वीटली, मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग वेरी स्वीटली। फोर है, आई राइट वेरी नेटली, आई एम राइटिंग वेरी नेटली। फाइव है, वी डोंट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वी आर नॉट गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सिक्स है, शी डज नॉट वर्क एट होम, शी इज नॉट वर्किंग एट होम। सेवन है, फिश स्विम्स इन द पॉन्ड, फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। नेक्स्ट अगला, एट है, ईगल फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। नाइन है, पायल वर्क्स इन ए बैंक, पायल इज वर्किंग इन ए बैंक। टेन है, द बेबी क्राइज लाउडली, द बेबी इज क्राइंग लाउडली। ये थी वर्कशीट 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट 9 पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल शेल। फर्स्ट, सचिन विल गिव ए स्पीच ऑन द टीचर्स डे। सेकंड, ही विल स्टार्ट ए बिजनेस नेक्स्ट मंथ। थर्ड, आई शेल रीड ए नॉवेल टुमारो। फोर, यू विल मीट मी नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फर्स्ट है, स्पेंड नेक्स्ट वेकेशन रोहन विल विथ हिज मदर। तो सही बनाएंगे इसको, सही लिखेंगे, रोहन विल स्पेंड नेक्स्ट वेकेशन विथ हिज मदर। सेकंड है, कम टुमारो, दे विल कम हियर टुमारो। नेक्स्ट अगला, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। शौर्य साइलेंटली वेंट टू हिज नेबर्स, ही टोल्ड देम दैट देयर वाज ए थीफ, मेनी पीपल गैदर्ड देयर, दे थॉट दैट
दे वुड कैच द थीफ एंड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन दे डिसाइड टू ओपन द डोर फर्स्ट है वो वेंट टू नेबर्स तो कौन गया था शौर्या तो यहाँ लिखेंगे शौर्या सेकंड है वूम वुड दे कैच ठीक है दे वुड कैच द थीफ थर्ड है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लोज फ्रॉम द पैराग्राफ क्लोज का अपोजिट ओपन फोर है वेयर वुड दे टेक द थीफ पुलिस स्टेशन बी से ही आंसर होगा इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश तो लिखेंगे टू दी हेडमास्टर गवर्नमेंट यूपीएस गणेशपुरा सर आई बेग टू से दैट आई वांट सम एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश प्लीज कंडक्ट या एंड नहीं आएगा प्लीज कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास इसे आप हटा दीजिएगा प्लीज कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश थैंक यू योर्स फेथफुली अशोक क्लास सेवन्थ तो ये थी असेसमेंट 9 इस प्रकार से हमने आज के क्लास में वर्कशीट 61 से 65 और असेसमेंट 9 समझा आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू।